आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर और सेलटेक्स सॉफ्टवेयर को बिल्कुल लाइव कंपेयर करके बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें क्या फीचर है और आपको कौन सा बाय करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को सेलटेक्स सॉफ्टवेयर में ले जा करके और फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में ले जा करके पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। तो अगर आप एक राइटर है ना तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, स्किप करके मत देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश राजा पर आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो चलिए इसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को लाइव कंपेयर करके बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेलटेक्स सॉफ्टवेयर की इंटरफेस दिखाता हूं। यहां पर देखिए सेलटेक्स सॉफ्टवेयर है, इसे मैं ओपन कर ले रहा हूं। देखिए सेलटेक्स सॉफ्टवेयर में ना आप स्क्रीन प्ले वगैरह लिख सकते हैं, स्क्रीन प्ले की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन वो आपके उतनी काम नहीं आएगी। और देखिए यहाँ पर आपके काम के लिए एक चीज़ है स्टोरी बोर्ड, मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ फिर मैं आपको स्क्रीन प्ले वाला दिखाऊंगा। तो स्टोरी बोर्ड आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे यहाँ पर आपने शॉट सेलेक्ट कर लिया, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर मीडियम शॉट लेते हैं और उसके बाद मीडियम शॉट लेने के बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं और उसका स्केच यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और शॉट सेकंड शॉट करने के लिए यहाँ पर ऐड शॉट में जा करके आप फिर से नेक्स्ट शॉट का कर सकते हैं काम। उसके बाद फिर अगर आपको स्क्रीन प्ले रेडी करनी है तो स्क्रीन प्ले के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए आपको क्या करना है, मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूँ। देखिए स्क्रीन प्ले के लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पर देखिए फिल्म का ऑप्शन है, फिल्म पर आप चले जाएंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीन हेडिंग लिखने का ऑप्शन है, फिर सीन हेडिंग जैसे आपने टाइप कर दिया उसके बाद फिर आप एंटर करके एक्शन लाइन लिख सकते हैं। तो फिर कैरेक्टर है, डायलॉग है, पैरेंथेटिकल ट्रांजिशन, शॉर्ट्स, सभी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन प्ले अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अपने स्क्रीन प्ले को, अपने स्क्रीन प्ले की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेलटेक्स सॉफ्टवेयर में कुछ सैम्पल्स प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, वो आपके रेफरेंस के लिए है। देखिए यहाँ पर ये सैम्पल खुल गई तो इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये सेलटेक्स का इंटरफेस है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें खास नहीं है और बाकी स्क्रीन प्ले की फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है ना कि इससे जब आप पीडीएफ बनाएंगे ना तो पीडीएफ तो चलिए आप बना लेंगे लेकिन पीडीएफ बनाने के बाद जब आप उसे एसडब्ल्यूए में रजिस्टर करवाते हैं तो फिर क्या होती है ना कि वो रजिस्टर ही नहीं हो पाती है, वो फाइल इनकम्पैटिबल बताता है वहाँ पर। तो सेलटेक्स वगैरह है, इन सब से अगर आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं आपकी मेहनत जो है वो पूरी इसमें लग रही है, उसके बाद आप उसे एसडब्ल्यूए में रजिस्टर करवाने जाएंगे तो वो रजिस्टर नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मैंने इस टॉपिक पर पहले भी डिटेल वीडियो बनाया है तो इस पर मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा। बस इतना जान लीजिए कि आप इसे रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। अब मैं आप लोगों को फाइनल ड्राफ्ट का इंटरफेस दिखाता हूं। देखिए यहां पर फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है, इसे मैं ओपन कर ले रहा हूं। देखिए ये फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर जो है ना, ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश पेज खुल जाएगी। आप इसमें अपनी स्क्रीन प्ले की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह जो भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर से आप सभी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, सीन हेडिंग है, एक्शन है, कैरेक्टर, पैरेंथेटिकल, डायलॉग, ट्रांजिशन, शॉट, फिर देखिए कास्ट लिस्ट भी है, न्यू एक्ट है, एंड ऑफ एक्ट है, आउटलाइन बॉडी है, फिर ये सब आउटलाइंस वगैरह है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो सबसे मेन बात तो इसमें आप स्क्रीन प्ले की फॉर्मेटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये कंपैटिबल भी है एसडब्ल्यूए के सर्वर से, आप इससे रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप इसकी पीडीएफ बनाएंगे तो आसानी से ये एसडब्ल्यूए में रजिस्टर हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना सेलटेक्स से करने पर कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पैसे कट जाते हैं और वो रजिस्टर नहीं होती है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर चाहे तो फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये सब आप कर सकते हैं और आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए सेलटेक्स में आप फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को आप अलग हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आप यहाँ पर देखिए टूल्स में भी यहाँ पर दी हुई है बहुत सारे रिपोर्ट्स, जैसे आप चाहे तो सीन वाइज पूरे स्क्रिप्ट को अलग कर सकते हैं। अगर ये काम आप मैन्युअली करने बैठेंगे ना तो आपको एक हफ्ते का समय लग जाएगा। लोकेशन वाइज आप अलग कर सकते हैं, कैरेक्टर रिपोर्ट यहाँ पर है, कास्ट रिपोर्ट है, स्क्रिप्ट रिपोर्ट है, स्क्रिप्ट नोट रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। सपोज मान लीजिए कि आप कोई सैंपल स्क्रिप्ट को लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे सैंपल स्क्रिप्ट्स रहते हैं। तो चलिए हम लोग को एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैं स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ। जैसे सेलटेक्स में सैंपल्स थी ना तो इसमें भी सैंपल्स दिए हुए हैं, तो ये स्क्रिप्ट मैंने लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके कोई कैरेक्टर के सभी डायलॉग्स को मैं एक साथ कर लूँ, तो क्या करना होगा, यहाँ पर टूल्स में जा करके रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर कैरेक्टर रिपोर्ट पर चले जाएंगे और जो भी कैरेक्टर का आपको रिपोर्ट चाहिए कि वो क्या डायलॉग्स बोल रहा है, क्या क्या उसमें पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी।
तो उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर उसकी पूरी कैरेक्टर रिपोर्ट जो है ना वो आ जाएगी। देखिए यहाँ पर वो रिपोर्ट रेडी हो रही है अभी, बस एक दो सेकंड की बात है, बस ये हो गई। और देखिए यहाँ पर पूरी इसकी रिपोर्ट आ गई, ये कितना बार बोलता है, वो कब नहीं बोलता है, क्या क्या उसके डायलॉग्स है, सभी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। और यही चीज़ अगर आप मैनुअली करने बैठेंगे ना, अलग अलग कैरेक्टर्स के डायलॉग्स को सेपरेट करने बैठेंगे, तो इसमें आपको लगभग लगभग 10 दिन तो ज़रूर लग जाएंगे। तो ये सभी फैसिलिटीज़ देता है फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर। फिर यहाँ पर कोलैबोरेशन की भी फीचर है, दो राइटर्स मिल करके ऑनलाइन साथ में स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेविगेटर का भी फैसिलिटी दिया हुआ है, ये नेविगेटर है यहाँ पर, ये जो नेविगेटर है ना इसमें आसानी से आप कोई भी सीन में आ जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जैसे सपोज सीन नंबर 10 पर जाना, तो आपने यहाँ पर 10 पर क्लिक कर दिया, क्लिक करेंगे जैसे ना, आप देखिए यहाँ पर हम लोग इस पेज पर आ गए हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग सीधा यहाँ पर आ गए। तो देखिए इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर, तो आप इसे यूज़ कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाना है, प्रोड्यूसर्स को सबमिट करना है, तो आपको इसे ही यूज़ करना चाहिए। मैं पर्सनली इसी को रिकमेंड करूँगा। और अगर आप लर्निंग के लिए करना चाहते हैं तो सेल्टेक्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लर्निंग के लिए, नहीं तो आप उसे रजिस्टर करवा पाएंगे, नहीं आप उससे आगे काम कर पाएंगे। तो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, और मुझे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर जो है ना ये बिल्कुल बेस्ट होता है, सेल्टेक्स उसके सामने बिल्कुल बच्चा है। हालांकि देखिए मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे पूरा हक बनता है कि मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू अपने जो सब्सक्राइबर्स है उसे दूँ। भले जो कंपनी वाले हैं सेल्टेक्स वाले वो लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए जो सच है वो सच है, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में ऐसी फीचर्स है ना जो आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी, ये सेल्टेक्स क्या किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। तो अगर आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाना सीखना चाहते हैं, यूज़ करना सीखना चाहते हैं, उसके मेन्यूज सब मेन्यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स को आप जानना चाहते हैं, उसमें स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। उसमें आप लोगों को 1 मंथ की ट्रेनिंग दी गई है और आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया गया, सिखाया गया पूरा कि कैसे आप उसे यूज़ करेंगे। उसे ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर ही बाय करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को बाय करने में वो यहाँ से दूर कर दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोज हमेशा देखने को मिलेंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, लव यू एंड बाय बाय।